नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिकप्लेक्स मैच प्रीव्यू में। मैच नंबर 43, मुंबई वर्सेस दिल्ली। मुंबई वर्सेस दिल्ली से पहले हम लोग कल की बात करते हैं। कल जिस तरीके से मैच केकेआर वर्सेस पंजाब के बीच हुआ, वो शायद ही अभी तक के सीजन का सबसे रोमांचक मैच है। आई थिंक ये रिकॉर्ड बन चुका है कि 262 अभी तक किसी भी T20 लीग में चेज नहीं हुए हैं, और पंजाब ने जो करके दिखाया है। पंजाब के पास ऑलरेडी बैटिंग तो थी, बस बेस्ट्रो मैं कहना चाहूँगा कि टच में नहीं थे, जिनका फॉर्म कल अच्छे से आया है और बहुत ही अच्छे बेहतरीन ढंग से उन्होंने कमबैक किया है। और शशांक तो अच्छा खेलते ही हैं, कल उनको और थोड़ा सा ऊपर भेजा तो उनकी बैटिंग में और हमें निखार देखने को मिला। तो कल जो कल पंजाब मैच जीती है, उससे एक चीज़ तो जरूर हुई है, पॉइंट टेबल में जरूर हलचल मच गई है, क्योंकि पॉइंट टेबल अभी लॉक नहीं हुआ है किसी भी टीम के लिए, और कहीं ना कहीं पूरा ओपन है। अभी कौन सी नीचे से कौन सी टीम पहले 4 पायदान पे जा सकती है, ये कहना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। ऐसे ही दिल्ली वर्सेस अगर हम मुंबई की बात करते हैं, तो दिल्ली में भी कल जो मैच खेला जा रहा है, सबसे पहले तो बता दूँ वो दिल्ली में खेला जा रहा है। दिल्ली की विकेट स्लो है, जिसके कारण वहाँ पे आपकी स्पिन बॉलिंग बहुत ही इफेक्ट रहेगी। और स्पिन बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो अभी दिल्ली की जो टीम है उसमें जो डुओ काम कर रहा है, अक्षर और कुलदीप यादव, वो दोनों ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की बॉलिंग मैं कहूँगा मुंबई से थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। और मुंबई में क्या है कि जो बुमराह है, बुमराह के अलावा उनको पूरे स्क्वाड से किसी की भी सपोर्ट नहीं मिल रही है। लेकिन कल हम नबी को, श्रेयस गोपाल को देख सकते हैं, क्योंकि पिच स्लो है। दोनों ही टीमें चाहेंगी कि उनके बेस्ट स्पिनर खेलें कल। तो इसके अलावा ये मैच जीतना मुंबई के लिए बेहद ही जरूरी है, साथ के साथ दिल्ली को भी। आप क्या कहते हो मैच के बारे में, आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।